अनिल जी, अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों पहले अनिल जी मैंने शेयर करा था हिंदुस्तान कॉपर अराउंड 193 विद अ डिस्क्लेमर कि हमने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है 190 के अराउंड की, और वी आर होल्डिंग। अनिल जी स्टॉक चल रहा है, तो आज भी जो क्रिसमस के लिए स्टॉक निकाल के लाया अनिल जी, कल उस पर रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, पहले डिस्क्लेमर है 1-2 रुपए का फर्क है, 1,000 रुपए के ऊपर का भाव है तो, और 1-2 रुपए के लिए लिया नहीं है स्टॉक। है अरविंदो फार्मा 1092 के अराउंड चल रहा है, 2015 के हाई स्टॉक ने तो क्रैक करे थे, 2021 में अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, बट दैट ब्रेकआउट टर्न इनटू अ फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक दोबारा से अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है और कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 990 का लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, टारगेट है 1400 से लेकर 1600 के टारगेट के लिए अरविंदो फार्मा में निवेश की राय है। डिस्क्लेमर है, स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को कल रिकमेंड करा है और आज कल परसों में कोई प्रॉफिट बुकिंग का इरादा नहीं है, तो जिनकी क्षमता है गिरावट में अरविंदो फार्मा में निवेश करें, 40-50% की अपसाइड मुझे लगता है ओरो फार्मा यहां से दिखा सकता है। अनिल जी, आई थिंक काफी अच्छा मौका है। एक अच्छी करेक्शन ऑलरेडी यू नो यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रही है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छे विकल्प मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। एंड मुझे लग रहा है एक साल भर के लिए काफी सारे स्टॉक्स में वापस अच्छे ट्रेडिंग सेटअप नजर आ रहे हैं। सो कोफोर्ज एक स्टॉक है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर हम लार्ज स्केल डेटा देखे, लगभग 2021 के बाद पहली बार इसने 6,000 के ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी, एंड वहां से एक सस्टेन्ड अप मूव नजर आई थी। एक अच्छा पुल बैक हाल फिलहाल में आया है काउंटर में, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, 2 साल का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, और वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है। इस पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट्स लगभग अराउंड 8400 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 35 से 40% की अपसाइड अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाकी है, तो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है। ये पर्टिकुलर काउंटर लगभग 6100 तक डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ, 5580 के आसपास का, जो आपको वीकली बेसिस पे मेंटेन करना है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है साल भर में ये पर्टिकुलर स्टॉक 8400 के आसपास इसकी चाल बन सकती है। अरे जी, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मैं बैंक देना चाहता हूँ। मुझे जो बैंक अच्छा लग रहा है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर एक बढ़िया फॉर्मेशन बनाया है, लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दिखा के आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन कोटक बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मोमेंटम का शुरुआत हो रहा है। कोटक बैंक यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की अगर बात करें तो 1840-1850 के आसपास इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह देगा। 1900 ये इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, 1940 इसका पोजिशन टारगेट होगा। इमीडिएट का जो सपोर्ट है कोटक बैंक का 1800-1805 के पास है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए यहाँ से स्टॉप लॉस 1805 का बनेगा, और थोड़ा सा पोजिशन नजरिया रखते हैं तो 1775 का इसके अंदर बढ़िया सपोर्ट है। तो 1900 से लेकर 1940 के टारगेट्स के लिए कोटक बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जल्दी ये स्टॉक बढ़िया हो ऊपर की तरफ का दिखाएं। अनिल जी, क्रिसमस गिफ्ट के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है अदानी पोर्ट्स, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1018 के आसपास ये अनिल जी स्टॉक कल बंद हुआ है। मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से आने वाले 2 से 3 क्वार्टर का नजरिया लेके स्टॉक में खरीदारी करें। कोई भी गिरावट मिलती है तो स्टॉक में पोजिशंस को ऐड करें। 980-1000 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स हैं एक्यूमुलेट करने के। स्टॉक ने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरे अदानी समूह में जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली थी, वो सब रेजिस्टेंस को पार किया है। ऑल टाइम हाईस के आसपास चल रहा है, 2021-22 की जो रेजिस्टेंस थी उनके ऊपर निकला हुआ है। मेरा मानना है निजी आने वाले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक 1500 और 1650 रुपए तक के टारगेट दिखाने का एक प्रबल दावेदार है। मुझे लगता है 1500-1650 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करें। 980-1000 रुपए के डिप्स पर एक्यूमुलेट करें, करंट लेवल से खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस के तौर पे 900 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट्स अनिल जी क्रिसमस का गिफ्ट। अनिल जी, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मैं लाया हूँ ऑयल एंड गैस की कंपनी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे खरीदारी की राय है, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 147 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 157 का। डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से हम ये लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये गैस ट्रांसमिशन ट्रेडिंग एलपीजी ये सारे बिजनेसेस में है। 11,500 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन है। गैस ट्रांसमिशन का जो वॉल्यूम है वो 12% से ग्रो होते हुए दिख रहा है, और गैस ट्रेडिंग एंड ट्रांसमिशन बिजनेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। कामकाजी मुनाफा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, 25% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, और केपेक्स
इस साल में बहुत कुछ हो चुका है, कुछ एक बाकी है, बट टोटल अगर देखा जाए 10,200 करोड़ का केपेक्स है और गैस कंजम्पशन भारत में 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है 2030 तक। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 147 का टारगेट।